हेलो दोस्तों, स्लेब की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रवि तेजा की टॉप 10 मूवी के बजट, कलेक्शन एंड वर्डिक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, की किया मूवी 8 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 14 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने 36 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 2, वीरा, यह मूवी 19 मई 2011 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 24 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 50 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 3, बंगाल टाइगर, यह मूवी 10 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 25 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 40 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 4, राजा द ग्रेट, यह मूवी 13 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 55 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 5, नेला टिकट, यह मूवी 24 मई 2018 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 21 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 45 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 6, क्रैक, यह मूवी 9 जून 2021 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 70 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 7, धमाका, यह मूवी 23 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 85 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 8, वाल्टेयर वीरैया, यह मूवी 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 140 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 232 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 1, रामनासुरा, यह मूवी 7 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 23 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक फ्लॉप मूवी थी। नंबर 10, टाइगर नागेश्वर राव, यह मूवी 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई है। इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए है। इस मूवी ने अब तक 80 करोड़ की कमाई की है। तो दोस्तों, इन सभी फिल्मों में से आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।